फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस हैं और बड़ा ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, बड़ा ही समर्थन मिल रहा है आपसे और सजेशंस भी मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने कंटेंट को फर्दर डेवलप करते जाते हैं। आज की वीडियो है फ्रेंड्स, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM मॉड्यूल की वीडियो है, वीडियो नंबर 19, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 1। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम अगली दो वीडियोस में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी 18 वीडियोस HRM में आ चुकी हैं एंड HRM एक, जैसे हमने देखा है, शुरू से एक जर्नी की तरीके से चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फिर प्लानिंग कैसे होती है, कैसे हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, बंदा आता है तो उसकी फिर ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, फिर उसका कैसे करियर प्लानिंग करना, सक्सेशन प्लानिंग, असेसमेंट, सब कुछ हमने डिस्कस किया। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर था। अब अगली, आज वाली एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है HR का, और जो हमारे फ्रेंड्स वर्केक्स में है वो जानते होंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसका एक पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली एक पार्ट है, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट कंप्राइजेज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेट सक्सेसफुली। मतलब एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, किस लिए, इसका मेन एम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं वो सक्सेसफुली मेट हों, उसको एंश्योर करना। द टर्म परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वॉज क्वाइंड बाई डॉक्टर ऑब्रे डेनियल्स इन द लेट 1970 डिस्क्राइब टेक्नोलॉजी यूज फॉर मैनेजिंग द टू क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। तो इसकी स्टार्ट जब हुई थी, ये सबसे पहले टर्म आया था 1970 में, और तब जो है दो चीज़ों के ऊपर इसको क्रिटिकल एलिमेंट्स माना जाता है परफॉर्मेंस में, उनको स्टडी किया गया था डॉक्टर डेनियल ने। वो क्या है? बिहेवियर और रिजल्ट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असेस इट्स प्रोग्रेस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को अपनी प्रोग्रेस के बारे में जानना है तो उस केस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को स्टडी करना, यूज़ करना बड़ा ही क्रिटिकल होता है। नेचर ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एंश्योर बेटर प्रोडक्टिविटी। एन इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब जानते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसका, क्यों ये मतलब फ़ायदेमंद है। सबसे पहला, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्क एज अ टूल दैट हेल्प इन डेवलपिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो एक एम्प्लॉय, देखिए, वो कंपनी में ओवर द पीरियड काफ़ी साल काम करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को मैप करना, अब देखना कि वो जो उसके स्टार्टिंग में जो हमने डिसाइड किया है, जिस रोल के लिए उसको रखा गया है, उसको कैसा अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर अच्छे से नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट करें, अच्छे से कर रहा है तो क्या उसको मोटिवेशन के और फैक्टर्स दें, ये सब। तो ये एक टूल है जो इस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को डेवलप करने में हेल्प करता है। इट आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एम्प्लॉय टू एंश्योर स्किल्ड, कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमें लगता है कहीं भी गैप है परफॉर्मेंस में, जो हम चाह रहे थे वो नहीं आ रही है, तो क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए ताकि जो आपकी वर्कफोर्स हो वो स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो, मोटिवेटेड हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन सेटिंग गोल, डेवलपिंग HR, रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो हम समराइज कर सकते हैं कि किसमें हेल्प करता है, गोल्स को सेट करने में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने में। जिसका आपने फील किया साल के अंत में जब अप्रेजल हुआ कि उसने परफॉर्मेंस अच्छी रही, कि किस में रिवॉर्ड कर सकते हैं, वेरिएबल पे आउट के फॉर्म में, अच्छे इंक्रीमेंट के फॉर्म में, प्रमोशन के फॉर्म में, बोनसेस के फॉर्म में। सिग्निफिकेंस, क्यों सिग्निफिकेंट है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हेल्प्स इन एंकरेजिंग एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं जो बताया जा रहा है वो कर रहा हूँ, मैं एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट हूँ। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मीनिंगफुल वर्क टारगेट फॉर एम्प्लॉयज। वर्क टारगेट जो है वो डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब जब हम बात करते हैं वर्क टारगेट को डिफाइन करने की, तो देखिए, हर जॉब में, चाहे वो मतलब सेल्स हो, नॉन सेल्स हो, फाइनेंस, नॉन फाइनेंस, कुछ ना कुछ एक टारगेट हमेशा रहता है, क्योंकि उसी को तो बंदा जो है ओवर द टाइम अचीव करने के लिए ट्राई करेगा ना। अब जहाँ पे हम सेल्स की बात करते हैं, वहाँ पे वीकली, डेली या मंथली, वहाँ पे तो एक सेट नंबर डिफाइन हो जाता है। बहुत सारे सपोर्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, HR है, IT है, वहाँ उतने रोबस्ट नंबर्स नहीं डिफाइन हो सकते, बट टारगेट्स तो वहाँ भी होते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। इट सेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन विच इवैल्यूएशन इज डन।
स्टैंडर्ड्स को, जिसके बेस पे इवैल्यूएशन। एग्जांपल, एक सेल्स वाले को टारगेट दिया आपने कि उसको मंथली टारगेट 10 करोड़ है, तो वो एक टारगेट सेट हो गया, उसके अगेंस्ट आप उसकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे। उससे वो मान लीजिए लेस करता है, 8 करता है तो 80% अचीवमेंट, 10 की जगह 11 करता है तो टारगेट को ओवर अचीव किया, तो उसके इसमें आप उसको कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं। इट कैरीज आउट अ करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या करता है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्प्लॉइज का करने में हेल्प करता है, जिससे ओवर द टाइम उनके करियर में कैसे मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, उसको देखा जा सकता है। अब हम इसमें जो है अलग अलग इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक मेन पार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें फर्दर पार्ट्स भी होते हैं, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड सबसे कॉमनली नोन है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। Employee are most important valuable sources of organization growth. Therefore, organization need to motivate and reward employee from time to time. तो motivate और reward करने का जो tool है वो है performance appraisal. Performance appraisal is one such mechanism that not only helps an organization to understand the ability and competency of employee, but also motivate them for improving their current performance level. तो current performance level को improve करके further motivate करता है और मेहनत से काम करने के लिए। It is a process of analyzing the past performance and future potential of employees. तो जो उनकी performance रही साल के अंत में, इसको किया जाता है, तो मतलब क्या आपकी performance रही target के set के against, और future potential आपका क्या है करने के लिए। Performance of employee can be analyzed on the basis of various parameters. अब अलग अलग parameters हो सकते हैं, कितना hard work किया, output कैसा निकला, work जो किया। अब एक तो होता है काम करने के लिए पूरा कर दिया, quality of work कैसी है, मतलब सेल्स का टारगेट तो पूरा कर दिया, बट क्या वो ऐसे कस्टमर्स को दिया है कि वो जो है वो प्रॉपर सेल्स है। ऐसा तो नहीं कि वो एक महीने टारगेट पूरा कर दिया, 2 महीने बाद वो रिटर्न आ जाएगा, या वो ऐसे रेट्स पे दे दे कि कंपनी को कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंपॉर्टेंट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बंदे ने ली, इनिशिएटिव्स क्या लिए, उसकी रेगुलैरिटी कैसी थी, पंक्चुअलिटी कैसी थी, ये सब कुछ जो है इसमें देखा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड बाय असेसिंग द परफॉर्मेंस गैप्स। परफॉर्मेंस गैप्स को देखते हुए पता लगाते हैं कि क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड है। फोकस इज ऑन डेवलपिंग न्यू स्किल्स ताकि वो फ्यूचर में जाके की पोजीशंस ले सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव फीडबैक टू एम्प्लॉय विच हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड द कंपनसेशन एंड इंसेंटिव टू बी पेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्सन को कितना इंक्रीमेंट देना है, क्या उसको इंसेंटिव देने हैं, वो सब भी इसी प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट होता है। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। आप स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, बाद में उसी के अगेंस्ट तो इवैल्यूएट करेंगे ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को सेट किया, फिर कम्युनिकेटिंग दी स्टैंडर्ड्स। अब आपको एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि ये तेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये तेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ईयर की स्टार्टिंग में जो है, जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज है, देखिए कोई बीच में ज्वाइन करे तो अलग बात है, कोई ऑलरेडी वर्किंग सेट ऑफ एम्प्लॉय है तो उसके लिए साल के स्टार्टिंग में ही ये स्टैंडर्ड्स कम्युनिकेट हो जाने चाहिए। डिटरमाइनिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कौन करेगा ये, इमीडिएट सुपरवाइजर करेगा या HOD करेगा, तो वो भी डिफाइंड होना चाहिए। फिर मेजर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, मेजर करने के बाद उसको कम्युनिकेट करना होता है कंसर्न्ड एम्प्लॉय को कि ये आपका स्टैंडर्ड सेट था, इस हिसाब से आपने परफॉर्म किया, और फिर करेक्टिव एक्शंस अगर रिक्वायर्ड है तो कोई करेक्टिव एक्शंस उसमें लिए जाते हैं। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के 2 मेथड्स है, पास्ट ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड। इसमें भी बहुत सारे फर्दर टाइप्स हैं, आज हम पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स को पढ़ेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पास्ट ओरिएंटेड मेथड देखते हैं। पहले होते क्या है, ये ओल्डेस्ट टेक्निक है, दीज आर बेस्ड ऑन अ ट्रेट ओरिएंटेड अप्रोच वेर इन द एम्प्लॉय ऑफ परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेस ऑफ एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेट और क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय। मतलब एक डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है कि एम्प्लॉय में ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बेसिस पे उनको जज किया जाता है। अब एक एग्जांपल होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है, ये सरकारी विभागों में, सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है जो इमीडिएट रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है उसकी बनाता है, और यूजुअली एट द एंड ऑफ ईयर बनाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर का वो हो रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल होगा, या फॉर एग्जांपल एक डिप्टी कमिश्नर का हो रहा है तो उसका जो कमिश्नर जो उसे एक लेवल अप होगा, वो उनकी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाता है साल के अंत में, और ये रिपोर्ट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होती है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ये मेथड क्या होता है, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट बाय टेकिंग जॉब रिलेटेड क्रिटिकल इंसिडेंट एंड रिलेटेड बिहेवियर। मतलब देखिए नौकरी के टाइम में, डे टू डे में ये नहीं होता, बट पूरे एक साल में 4 या 5 ऐसे इंसिडेंट आएंगे। अब मान लीजिए आप प्राइवेट उसमें है,
तो हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया, उसमें आपने कैसे किया। कई बार ऐसा हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने लगे तो उसको आपने कैसे ठीक किया। तो इस तरीके के, मतलब इस तरीके के क्रिटिकल, इनको बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट, जो कंपनी के लिए बड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, उसमें एम्प्लॉई ने कैसे उसको टेक केयर किया। चेकलिस्ट, अप्रेजर प्रोवाइड्स अ रेटिंग बेस्ड ऑन बिहेवियर एट वर्क प्लेस। तो एक चेकलिस्ट, मतलब सेट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि हमारी कंपनी के सेट पॉलिसीज में या कंपनी के लिए ये पांच पैरामीटर्स हैं, उसमें से एम्प्लॉय किसके लिए करता है, ये भी एक कॉमन यूज मेथड है। फोर्स चॉइस मेथड, इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय पोलाइट, तो मतलब इसमें ना, मतलब फोर्स चॉइस है कि आपको बताना ही है कि इज ही पोलाइट और नॉट। तो ये फोर्स चॉइस है कि दो में से कोई एक चॉइस उसको चूज करनी पड़ेगी, इस मेथड को बोलते हैं फोर्स चॉइस मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन, इन विच अप्रेजर कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय विद अदर एम्प्लॉय वन एट अ टाइम, इसको पेयर्ड कंपैरिजन बोलते हैं। जैसे टीम में चार लोग हैं तो एक बंदे की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड लोन ना बता के बाकी लोगों के कंपैरिजन में कैसी रही, मतलब अगर आप फाइनेंस में तो आपके बाकी कलीग्स ने कैसा किया, ये होता है पेयर्ड कंपैरिजन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अज्यूम दैट इन दिस मेथड परफॉर्मेंस लेवल इज मैच विद अ नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक जो है नॉर्मल कर्व होता है, जो हमारे दो स्टैट्स पढ़ चुके हैं वो इसको जानते होंगे, या जो कंपनीज में काम करें वो भी जानते होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक नॉर्मल कर्व में एम्प्लॉयज़ को फिट किया जाता है। तो आपने कितने अच्छा परफॉर्म किया हो, जैसे ए रेटिंग उसमें होता है कि 5% या 10% को देनी है, तो 10 एम्प्लॉय हैं तो उनमें से एक को ही मिल सकती है। मान लीजिए दो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया या तीन हैं बहुत अच्छा किया, फिर भी किसी एक को देके बाकी को बी में करना पड़ेगा। तो ये वाला नॉर्मल कर्व होता है और मेजॉरिटी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। इसको बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ को फिट करना पड़ रहा है। ये थे दोस्तों हमारे पास्ट ओरिएंटेड मेथड। जैसा मैंने बताया, फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाकी टॉपिक्स को भी करेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी miru.shetty@gmail.com पर हमें बता सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।